Everyone, I Upkasha Singh, Lecturer, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Students, today we are going to learn about foundation of rotating machine. On previous video, you have learned about the testing and the troubleshooting charge of chart of single phase induction motor. Learning outcome: After watching this video, you will be able to learn.

जो भी आप मशीन को ड्रॉ या डिज़ाइन कर रहे हो जिसको आपको मैन्युफैक्चर करना है उसकी डिज़ाइन आपके फ़ाउंडेशन के डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बननी चाहिए मतलब कि अगर आपने एक मोटर बनाया है तो वो मोटर जब फाउंडेशन में रखेंगे तो उस फाउंडेशन की लेंथ वेट हाइट कितनी होगी वो सारी चीज़ें भी आपको मेजर करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू एच पी यू हैव टू कैलकुलेट द ड्रॉइंग डायमेंशन ऑफ द मशीन ना डायमेंशन ऑफ द मशीन में इट्स लेंथ एंड विड मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी फाउंडेशन की वो सीमेंटेड कितना रहेगा विद उसकी विर्थ कितनी रहेगी है ना ये सारी चीजें यू हैव टू कंसीडर यू हैव टू कंसीडर द मशीन हाइट ऑफ द मशीन मशीन की हाइट मशीन का वेट क्योंकि जो मशीन का वेट होता है उसके अकॉर्डिंगली ही हम फाउंडेशन बिल्ड करते हैं क्योंकि फाउंडेशन को उसका जो वेट है वो विदस्टैंड uh, करना पड़ता है क्योंकि जो मोटर है वो फाउंडेशन के ऊपर रखते हैं तो इसलिए उसका वो वेट बेयर कर सके इसीलिए हम लोग जो मोटर है उसका पहले साइज़ uh, देखते हैं उस हिसाब से फिर आपका फाउंडेशन बनता है इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन ऑफ सॉयल सॉयल का कंडीशन बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्योंकि जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो फाउंडेशन बनाने के लिए और जहाँ पे भी आप वो फाउंडेशन को बिल्ड करने वाले हो जहाँ से भी वो आपका बनने वाला है फाउंडेशन तो वो एक सॉयल के ऊपर ही होगा है ना सॉइल उसके ऊपर सीमेंट उसके ऊपर एक फाउंडेशन का ब्लॉक रखेंगे देन उसके ऊपर आपका मोटर जाएगा तो यू हैव टू सी दॉयल कैपेसिटी बियरिंग कितना वो बर्दाश्त कर सकती है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सॉइल की डेंसिटी कितना ज़्यादा डेंस है कितना ज़्यादा डीप है वो सॉइल वो आपको देखनी है ग्राउंड वाटर टेबल लोकेशन क्योंकि जो सॉइल के नीचे हमारा ग्राउंड वाटर आता है सो कितने लेवल के बाद सॉइल के आपका ग्राउंड वाटर का लोकेशन है यू हैव टू फाइंड आउट दैट ऑल्सो वेट ऑफ द मशीन इरेक्शन वेट जो आप जब आप मोटर को आप उस पर रखोगे है ना तो आपके मोटर का कितना वेट उस फाउंडेशन पे जाएगा दैट यू हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग वेट जब आपका मोटर ऑपरेट करेगा लोड पे फुल लोड पे ओवर लोड पे देन आपके मोटर में जो वाइब्रेशन आएंगी उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका फाउंडेशन बनाना है सो यू हैव टू कैलकुलेट द वेट वेन यू इट इज़ ऑपरेटिंग इम्पोज्ड वेट अब इम्पोज वेट मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोड उस पर आएगा देन वाइब्रेशंस भी उतनी ही आएंगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर मोटर पे पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा प्रेशर फिर फाउंडेशन पे पड़ेगा तो यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द एक्सेसरीज वेट अभी मोटर्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे आपने एक मोटर लगाया उसके साथ आपने एक कपल में एक और मोटर कनेक्ट कर दिया या आपके मोटर के साथ कोई मैकेनिकल लोड कनेक्ट है जो कि एक सेटअप की तरह आपने बनाया है और आपने उसको फाउंडेशन पे रखना है सो यू हैव टू कैलकुलेट ओवरऑल मतलब सिर्फ मोटर ही नहीं अगर आप मोटर के साथ कुछ और भी कनेक्ट करने वाले हो क्योंकि मोटर हम लोग तो तभी यूज़ करते हैं जब हमें कुछ चीज़ रन करनी है ना लोड अभी अगर कॉलेज वगैरह में जो आपके मोटर्स रहते हैं उसको हम इस तरह से इंस्टॉल करते हैं कि क्योंकि हमें वहाँ पर सिर्फ दिखाना रहता है कि हाँ मोटर के साथ अगर मैकेनिकल लोड लगा है तो सो वो लोड भी आपको फिर फाउंडेशन पे रखना पड़ता है तो उसका भी जो कैलकुलेशन है यू हैव टू डू इट एंड अदरवाइज अगर आप कहीं और देखते हो जैसे किसी जगह पे तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं एक्सेसरीज मतलब जो मोटर के साथ साथ उसके लिए यूज़ होती है ना उसका उसको कवर करने के लिए मोटर को कवर करने के लिए फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट बहुत सारी ऐसी एक्सेसरीज आती है जिसको जिसका भी स्लाइट वेट होता है बट वेट होता है फाउंडेशन पे तो यू हैव टू कंसिडर ऑल दिस थिंग्स वाइल डिजाइनिंग द फाउंडेशन सी जी लोकेशन इन स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग कंडीशन आपकी मोटर की जो लोकेशन है वो आपको देखनी है वायल स्टैटिक मतलब जब आप वो स्थिर है नहीं चल रहा है तब <coughs> और ऑपरेटिंग कंडीशन में लेवल ऑफ प्लिंथ शुड बी एबव द मैक्सिमम फ्लड लेवल ऑफ द साइट ना अगर बहुत ज्यादा सी जगह होती है जहाँ पे ओपन साइट होता है जहाँ पे आपके मोटर इंस्टॉल होते हैं ठीक है क्योंकि बहुत सारी ऐसे जगह होती है जैसे अभी आप मान लो वाटर पंप कोई एक बहुत बड़ी सोसाइटी है उसका वो जो पंपिंग सिस्टम है वोटर का वो तो साइट ओपन साइट में रहता है कोई कोई उसका पंप हाउस भी बनाता है बट इफ़ इट इज एन ओपन साइट तो यू हैव टू मेक द फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू द फ्लड लेवल फ्लड लेवल के अकॉर्डिंगली आपको बनाना है जब प्लिथ किसे कहते हैं जब हम कभी भी कोई चीज़ बनाते हैं फाउंडेशन या आप घर बना रहे हो घर का फाउंडेशन बना रहे हो तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में पहले हम एक, एक, एक स्क्वायर टाइप का पहले बाउंड्री टाइप का बनाते हैं देन फिर हम उसको फिल करते हैं ठीक है तो जब बाउंड्रीज बनती है उसको हम प्लिंथ कहते हैं अब प्लिंथ का जो लेवल होना चाहिए ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि फ्लड लेवल के हिसाब से क्योंकि अगर फ्लड लेवल के नीचे रहा तो यू नो यू यो मोटर कैन डैमेज यू मोटर कैन यू नो इंसुलेशन ख़राब हो सकता है या मोटर ही पूरी डैमेज हो गई क्योंकि पानी वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं है तो ऑब्वियसली मोटर ख़राब हो सकती है इसीलिए या तो कभी बारिश हुई तो उसका पानी जम गया है ना तो योर फाउंडेशन शुड भी एट दैट लेवल कि अगर पानी कभी जमा भी होता है वहाँ पे तो आपके मोटर तक वो टच ना कर पाए सो योर लेवल ऑफ प्लेन शुड भी अबव द लेवल ग्राउंड वाटर लेवल ग्राउंड वाटर लेवल भी आपको चेक करना है मैंने पहले भी बताया कि सॉयल से नीचे में वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो कितना है कितने डीप में है या थोड़ा सा लेवल में है

इन्वर्टेड है तो थोड़ी सी अलग डिज़ाइन मेंटेन होगी क्योंकि हर एक मशीन की जो इंस्टॉलेशन बॉडी होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं वो अलग होती है सो so, उस हिसाब से आपका जो फाउंडेशन है वो डिज़ाइन होगा सराउंडिंग एटमोसफियर कंडीशन ना आपके जो अराउंडिंग जो एटमोसफियर है वो कैसा है फाउंडेशंस जो होती है वो सीमेंटेड होती है ठीक है उसको हम लोग कंक्रीट से बनाते हैं सो so, उसको भी बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अफेक्ट कर सकती है सो so, उस हिसाब से आपका सराउंडिंग होना चाहिए कि आपके जो फाउंडेशन है वो अच्छा रहे खराब ना हो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस शुड बी कंसीडर वेल डिजाइनिंग द फाउंडेशन अर्थक्वेक मतलब जब भूकंप आता है अर्थक्वेक आता है तो आपकी जो फाउंडेशन है वो प्रॉपरली रेजिस्टेंस होनी चाहिए मतलब जब बहुत ज्यादा वैल्यू की अर्थक्वेक आए तो लेकिन एक नॉर्मल नॉर्मल वैल्यू का अर्थ क्विक रेजिस्टेंस करने लायक होना चाहिए वो फाउंडेशन उस हिसाब से डिजाइनिंग की जाती है द फाउंडेशन शुड बी एबल टू एब्सॉर्व द वाइब्रेशन जब मोटर ऑपरेट होता है देन इट क्रिएट्स वाइब्रेशन देन इट शुड द फाउंडेशन शुड रेजिस्टेंस मतलब उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो जो वाइब्रेशन है वो उसको सह सके तो एबजॉर्व कर सके तो हमारा फाउंडेशन उस हिसाब से होना चाहिए द डायमेंशन ऑफ द फाउंडेशन शुड बी प्रपोर्शनल टू सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑइल जो सॉइल है हमारा सॉइल की कैपेसिटी के हिसाब से जो डायमेंशन होनी चाहिए वो बननी चाहिए फाउंडेशन की बिकॉज इट इज अ प्रपोर्शनल जो आपका सॉइल की कैपेसिटी है सॉइल की कैपेसिटी की बेयरिंग कैपेसिटी है ना बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है इज प्रपोर्शनल टू द डायमेंशन ऑफ द फाउंडेशन मतलब डायमेंशन ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू इज प्रपोर्शनल मतलब अगर अगर आपका सॉइल की जो बेयरिंग है वो अच्छी है तो आपकी जो फाउंडेशन की जो डायमेंशन है वो भी प्रॉपर बनेगी दे आर बोथ प्रपोर्शनल टू इच अदर ना रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फाउंडेशन फाउंडेशन जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक फाउंडेशन बनाने की सबसे पहले स्ट्रांग और काफी रिजिड बॉडी होनी चाहिए मतलब सख्त द फाउंडेशन शुड बी एबल टू ऑब्जॉर्व द वाइब्रेशन एट इट्स फुल कैपेसिटी फुल कैपेसिटी में आपकी जो फाउंडेशन है वो वाइब्रेशन ऑब्जॉर्व करनी चाहिए वाइब्रेशन जो फाउंडेशन है वो इरेक्टिंग वेट एक्सेसरीज वेट एंड ऑपरेटिंग वेट एक्सेट्रा विथ स्टैंड कर कर सकती है वैसा फाउंडेशन बनना चाहिए फाउंडेशन बनाने के लिए जो कंक्रीट का रेशियो होता है वो वन इज टू टू इज टू फोर होता है ठीक है जो कंक्रीट रेशियो हम यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए अब उसमें सीमेंट भी यूज होता है सैंड भी यूज़ होता है वाटर भी, भी यूज़ होता है और कंक्रीट भी यूज़ होता है ठीक है तो उसका एक रेशियो है दैट इज़ वन इज टू टू इज टू फोर द फाउंडेशन शुड बी वेल क्योर बिफोर मशीन पुट ऑन इट जो फाउंडेशन है उसको प्रॉपरली क्योर मतलब जब फाउंडेशन बनता है तो उसको प्रॉपर वाटर देना पड़ता है ताकि वो और सख्त बन सके है ना जब आप लोगों को पता होगा जब घर बनता है तो हम लोग उसको वाटर देते हैं है ना ताकि जो उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो बनी रहे फिर उसका जो जो उसको क्योर है जितना भी आप उसमें जो भी उसको जितना भी अच्छा स्ट्रांग बना सकते हैं पहले उस पर वर्क किया जाता है फाउंडेशन पे उसके बाद फिर उस पर मशीन रखते हैं द डायमेंशन ऑफ फाउंडेशन शुड नॉट शुड बी मोर देन एक्चुअल रिक्वायरमेंट सी हम लोग हमेशा कोई भी आ, कोई भी चीज़ जब बनाते हैं तो उसको हम थोड़ा और एक्स्ट्रा बनाते हैं ताकि ताकि जैसे जा, अभी जैसे आपका फाउंडेशन है फाउंडेशन पे आप कुछ एचपी सम ऑफ द एचपी ऑफ मोटर आप उस पर रख रहे हो ठीक exactly है लेकिन एग्जैक्टली जितना एचपी का मोटर है उतने ही रिक्वायरमेंट uh, पे आप वो फाउंडेशन नहीं बनाओगे उस फाउंडेशन की लेवल थोड़ी और ज़्यादा विथ स्टैंड करने वाली होंगी क्योंकि एट द वर्स्ट केस खराब से खराब सिचुएशन में भी वो जो फाउंडेशन है क्योंकि होता कैसा है कि जैसे फाउंडेशन को तो आप एक बार बन गया तो उसे कुछ कर नहीं सकते लेकिन मोटर जो होती है वो मोटर अगर आपने कुछ एच का मोटर वहाँ पर लगाया है ठीक है आई ने कुछ सालों बाद वो अगर ख़राब हो गया तो आप उसको हटा के फिर से दूसरा एच पी एफ मोटर लगाओगे ठीक है अब वो जो एच पी एफ मोटर है वो क्या तो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है कम हो सकती है तो हमें नहीं पता ना कि उस फाउंडेशन पे कौन सा मोटर बैठेगा ठीक है अब ये डिसाइडेड रहता है जैसे फाइव एच का मोटर के लिए अगर वो फाउंडेशन डिज़ाइन है तो फाइव एच पी आप अकाउ फाइव एच तक का ही फाउंडेशन नहीं बनाओगे आप क्या बनाओगे एटलीस्ट उसको आठ एच तक का फाउंडेशन बनाओगे कि आगे चलकर अगर फॉर फ्यूचर फॉर लॉन्ग रन अगर वो मोटर खराब हुई है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है तो अगर आठ एच तक या छः सात एच तक का भी मोटर अगर उसमें इंस्टॉल किया तो वो उसको विथस्टैंड कर सकता है तो इस हिसाब से आपका फाउंडेशन बनना चाहिए डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन शुड बी प्रपोजल टू द बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल मैंने पहले भी बताया था इसको द सर्फेस ऑफ द फाउंडेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मशीन ऑयल बाई मीन्स ऑफ सुटेबल केमिकल जो हमारा फाउंडेशन का जो सरफेस है जिसपे आप मशीन रखते हो ठीक है उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ मशीन का जो ऑइल होता है वो केमिकल वगैरह से रहता है केमिकल वगैरह उसमें ऑयल्स में रह, होता है सो so, आपका जो फाउंडेशन होता है ना उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम दैट केमिकल ऑयल जो कि आपके मशीन से गिरेगा आपके फाउंडेशन पे तो यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट फ्रॉम मशीन ऑयल लेवल ऑफ फाउंडेशन शुड बी अबव द मैक्सिमम फ्लड लेवल एट द साइट ऑलरेडी टोल्ड यू देयर शुड बी ईजी एक्सेस टू वर्ड मशीन फाउंडेशन मशीन फाउंडेशन ऐसा बनना चाहिए कि दैट आप उस पर कोई भी काम कर सकते हो कभी भी कोई भी काम आप ईजिली मोटर निकाल सकते हो ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो आपको कोई मैकेनिकल लोड लगाना है आप वो लगा सकते हो उस हिसाब से इजिली एक्सेस होना चाहिए द फाउंडेशन शुड बी सफिशेंटली ग्रिड रिजिड टू मेनटेन प्रॉपर अलाइनमेंट बिटवीन द मोटर सी जो भी आपका फाउंडेशन है उसका अलाइनमेंट मतलब जो आपका मोटर का जो जो आप अगर आप स्क्वायर या रेक्टेंगल मोटर बना रहे हो ठीक है तो फाउंडेशन बना रहे हो तो वो पूरा एकदम जैसे क्यूब नहीं होता क्या एकदम सीधा एकदम स्ट्रेट एकदम वैसा होना चाहिए अलाइन होना चाहिए क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे रहा फाउंडेशन में है ना तो आपकी मोटर वहां पे फिट बैठेगी नहीं इसीलिए प्रॉपर अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्लिंथ स्प्लेंथ से जो आपकी फाउंडेशन बनेगी वो पूरी की पूरी प्रॉपर अलाइनमेंट में होती है इसलिए हम लोग एक स्पिरिट लेवलर यूज़ करते हैं आपने देखा होगा जब रोड वगैरह पे रोड बनती है तो वहाँ पे धागा यूज़ करते हैं एक ईंटे से दूसरे ईंटे पर उसे बांध के रखते हैं ताकि आप ये देख सको कि आपकी जो जो रोड है है ना या फिर आप घर पे देख लो जब घर बनता है तब भी हम लोग यूज़ करते हैं थ्रेड यूज़ करते हैं ताकि देखने के लिए कि एकदम सीधी बन रही है कि नहीं एकदम प्लेन बन रही है कि नहीं है ना ये सब चेक करने के लिए हम यूज करते हैं तो वो वो अलाइनमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि तो अलाइनमेंट नहीं रहेगा तो मोटर आपकी वहां पर फिट नहीं बैठेगी ना दिस आर द रेटिंग ऑफ द मोटर्स एंड द साइज ऑफ डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन अगर मोटर दस एच पी तक की है देन सेवन पॉइंट फाइव टू टेन सेंटीमीटर डीप आपकी फाउंडेशन की डेप्थ होगी टेन टू ट्वेंटी फाइव देन फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर डेप ट्वेंटी टू फिफ्टी एच पी देन इट शुड बी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर डीप फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव एच पी की मोटर देन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डीप एंड सेवेंटी फ़ाइव टू हंड्रेड एच पी मोटर देन थर्टी सेवन पॉइंट फाइव टू सिक्सटी सेंटीमीटर डीप दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दैट ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है कि अगर इतनी रेटिंग की मोटर्स है तो आपकी फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो इतनी होनी चाहिए ना अगर अभी ये तो हमने पढ़ा कि रिक्वायरमेंट्स और जब हम डिजाइन करते हैं तब लेकिन अगर आपकी मोटर का जो फाउंडेशन है वो अलाइन नहीं है तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं एक्सेसिव वाइब्रेशन अगर आपकी जो मोटर है अगर उसका वाइब्रेशन अगर वो ठीक से अलाइन नहीं बैठी है सो so, आप खुद सोचो अगर आपकी मोट जो फाउंडेशन है अगर वो थोड़ी खुरदुरी है या ऊपर से ऊपर नीचे है जहाँ पे आपको आपके मशीन को रखना है तो वो आप अच्छे से उसको नट बोल्ट नहीं कर पाओगे अच्छे से स्क्रू आउट नहीं कर पाओगे तो क्या होगा कि जब मोटर रन करेगी तब आपकी जो मोटर है वो बहुत ही वाइब्रेट शेक करेगी एंड दैट विल क्रिएट एक्सेसिव वाइब्रेशन नॉइज़ प्री मेच्यो और बियरिंग एंड कपल फेलर ऑब्वियसली जब वाइब्रेशन और नॉइज बहुत आएगी तो जो बियरिंग है और जो कपल जो आपने अपने मोटर को किसी भी मैकेनिकल लोड या फिर किसी अलग मोटर से आपने कपल किया है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बियरिंग वगैरह यूज़ होती है उसको रोटेट करने के लिए वहां पर भी फेलियर होगा हाई बियरिंग टेम्परेचर जो आपका टेम्परेचर ऑफ़ बियरिंग है वो बहुत हाई हो जाएंगी हाई लुब्रिकेटिंग ऑयल टेम्परेचर जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल आप यूज़ करते हो ताकि आपकी मोटर बहुत स्मूद रन करे उसका भी टेम्परेचर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा लूज एंड ब्रोकन फाउंड अब जब वाइब्रेशन नॉइज कपलिंग ब्रेकडाउंस होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज ऑफ ब्रोकन फाउंडेशन बोल्ट जो बोल्ट आप यूज करोगे ताकि आपका फाउंडेशन और आपका मोटर एक दूसरे से कनेक्ट रहे टाइट रहे अगर वो ही लूज हो जाएगा तो ये सारे मिस अलाइनमेंट होंगे तो शाफ्ट इज़ ब्रेकिंग और क्रेकिंग देखिए देखो अगर आपका एक तरफ से भी लूज हुआ तो वहां पे मिस अलाइनमेंट शुरू होता है और अगर आपके मोटर्स एक स्टेबल जगह पे नहीं है देन इट विल क्रिएट यू नो एक वो अलग वे से रोटेट करेगा ठीक है एक एक स्टैटिक वे से रोटेट करना और अगर आपकी मोटर स्टेबल नहीं है तो रोटेट करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से भी आपके स्टैटिक शाफ्ट वगैरह ब्रेक हो सकते हैं इंक्रीज फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा घिसेगी नीचे से भी जहाँ पे आपका फाउंडेशन है वहाँ पे भी कि ऐसे से वाइब्रेट होगा तो उसके वजह से इंक्रीज स्ट्रेस ऑन कपरिंग एंड शाफ्ट इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट फाउंडेशन जो होती है उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है अगर आपने अगर आपके मोटर अच्छे से अलाइन नहीं है आपके फाउंडेशन से तो देर विल भी इनक्रीज इन मैंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज एनर्जी कंजम्पन वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं नॉइज लेवल बढ़ रहा है एंड देर इज़ अ फेलर इन द कपल जो कपल आपने किया है उसके फेलर से इट विल इंक्रीज द कंजम्पन ऑफ एनर्जी बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपका हीट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, है ना यहाँ पे क्योंकि आपके टेम्परेचर हाई हो रहा है आपका लुब्रिकेशन ऑयल हाई हो रहा है सो so, ये सारे जब हाई होते हैं तो इट कैन इट क्रिएट लॉसेस जब लॉसेस बहुत ज्यादा होता है तो उतना ही ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन भी होता है सो इट विल इंक्रीज द एनर्जी कंजम्पशन इट रिड्यूस मोटर एफिशंसी ऑब्वियसली ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो मोटर का वो रिड्यूस हो जाएगा एंड अर्ली वेयर एंड ईयर जो आपके ड्राइविंग और ड्रिविन मशीन है वो टूट सकते हैं सो दिस आर द दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ मिसअलाइनमेंट डिफरेंट टूल्स ना अभी मेनटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एम डबल ई इसके लिए कौन कौन से टूल्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं ठीक है कौन कौन से होते हैं पहला है बियरिंग पुलर बियरिंग पुलर इज़ यूज फॉर होल्डिंग एंड रिमूविंग द बियरिंग सेफली जो बियरिंग हम यूज़ करते हैं मोटर रोटेटिंग मशीन को रोटेट करने के लिए बियरिंग यूज़ होती है उसको इजीली रिमूव करने के लिए हम मशीन अगर उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है तब हम बियरिंग पुलर यूज़ करते हैं ठीक है इट आल्सो यूज टू रिमूव गियर्स एंड पुली फ्रॉम द शाफ्ट शाफ्ट से गियर और पुली भी निकालने के लिए ये काम आता है फिलर गेज फिलर गेज एक ऐसा टूल है जिसको आप गैप विर्थ जो जो गैप होती है उसका विर्थ कैलकुलेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो है ना स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है उसका विर्थ मेजरमेंट करने के लिए यू कैन यूज़ इट डायल टेस्टर डायल टेस्टर रोटेटिंग पार्ट में हम लगाते हैं टू चेक वेदर योर मोटर इज़ अनबैलेंस्ड और बैलेंस बैलेंस है या अनबैलेंस है कम्यूटेटर या मोटर शाफ्ट वगैरह वो प्रॉपरली बैलेंसली चल रही है कि नहीं उसके लिए हम लोग डायल टेस्टर यूज़ करते हैं और इसका यूज़ हम अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट इन इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं स्पिरिट लेवल स्पिरिट लेवल जब आप फाउंडेशन बनाते हो और उसका जो जो फ्रंट रहता है जहाँ पे आपको मोटर इंस्टॉल करनी रहती है वो बराबर एकदम प्लेन है कि नहीं वो चेक करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं टू चेक द लेवल ठीक है हॉरिजेंटल हो या फिर वर्टिकल दोनों को चेक करने के लिए अर्थ टेस्टर एवरीबॉडी नोज अबाउट अर्थ टेस्टर कि हम लोग उससे अर्थ रजिस्टेंस कर मेजर uh, करते हैं मेगर भी पता है सबको कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन और इक्विपमेंट को मेजर करने के लिए हम लोग मेगर टेस्ट करते हैं मेगर का यूज करते हैं नाउ समरी वी हैव लर्न इन दिस वीडियो अबाउट द फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ रोटेटिंग मशीन पीओ मैप वन टू थ्री टेन एंड पी एस ओ वन नेक्स्ट स्लाइड विल बी ऑन नेक्स्ट चैप्टर